हरे कृष्णा। आज की पेरेंटिंग टिप बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको एक केस सुनाती हूँ। बच्चे का एक प्यारा सा पेट था, एक उसका छोटा सा डॉगी था, और वो बच्चा रोने लगा, हाय मेरे डॉगी, हाय मेरे जॉनी की डेथ हो गई, वो मम्मी मर गया, मेरे को रो रहा है वो बच्चा। तो आप क्या कहते हैं, अरे क्या हो गया, डॉग ही तो था। नहीं, वो डॉग नहीं था। फिर आप बोलते हैं, अच्छा तेरे को नया ला दूंगी, तू परेशान मत, तू रो मत, तेरे लिए और नई चीज आ जाएगी। वो मेरा डॉग नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, आप समझते क्यों नहीं है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब आप इस सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए, हम इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं। ना उसको नया चाहिए और वो पुराने के ऊपर रो भी रहा है और बहुत परेशान भी है। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, नेम द फीलिंग। क्या बोला मैंने, नेम द फीलिंग। अब इसी सिचुएशन को मैं दोबारा बोल के दिखाती हूँ। बच्चा रो रहा है और बोलता है, मेरे जॉनी की डेथ हो गई है, मेरा जॉनी मर गया। अब बोलते, ओहो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि तुम उसके साथ खेला करते थे। बोले का हाँ, तो आपने तो उसको बहुत सारी ट्रिक सिखाई थी, आप उसके साथ बॉल भी खेलते थे, कितना मजा आता था ना। बोले का हाँ। तो ऐसे में आप आराम से उस बच्चे को उस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, उस बच्चे के दुख का नाम दिया या सुख का नाम दिया। आर यू वेरी एक्साइटेड, आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बच्चा जीत के आया कुछ, और आपको आप बोल रहे हैं वेरी गुड। बस नहीं, आप उसका नाम दीजिए उसकी फीलिंग को, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना कि आप ट्रॉफी जीते। अब जैसे ही आप उसकी उसकी भावनाओं को नाम दे देते हैं, पहली बात वो बच्चा अपने आप को समझता है कि हाँ मेरे को दुख हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, मैं डर गया हूं। तो आप उस चीज से उसको पहली बात तो एक्वेंट करा रहे हैं अपने इमोशंस के साथ। जब वो अपने इमोशन के साथ फेमिलियर हो जाता है, उसको लगता है कि अच्छा अच्छा मुझे ये हो रहा है, उसके बाद उसको संभलना, उस सिचुएशन को रिएक्ट करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, कई बार कई पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि अगर हम उसकी फीलिंग को नाम दे देंगे तो वो तो और ज्यादा बुरा हो जाएगा। नहीं, बुरा नहीं होगा, सुधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन, ये ह्यूमन माइंड है, यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होना है। अगर आप किसी की भावनाओं को नाम देते हैं तो वो उस भावना को संभालने के लायक हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मुझे क्या हो रहा है। अगर एक बच्चा बहुत डिप्रेस्ड है तो आप उसको बोल सकते हैं कि अरे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो आप उसको नेम द फीलिंग, उसके एक फीलिंग को नाम दे रहे हैं, और जैसे उसकी फीलिंग का नाम आता है आप उसके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसको वो चीज समझ में आ जाती है कि मेरे को उसको टॉलरेट कैसे करना है, सुख में भी और दुख में भी। तो ऐसे में आपके पास उनके भावनाओं के लिए बहुत सारे नाम होने चाहिए, आपको बहुत सारे नाम देने हैं उनकी भावनाओं को। तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपनी जो शब्दकोश है उसको बढ़ाइए, और बच्चों की भावनाओं को नाम दे सकते हैं, इससे वो संभल जाते हैं। कभी कभी उनको कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो सिर्फ एक्सट्रीम दुखी या सुखी हो रहे होते हैं, आपको सिर्फ उनकी बात शेयर करनी होती है, उनकी भावनाओं को एक नाम देना होता है, और ऐसा करने के बाद वो बच्चा आपसे प्यार करने लगेगा क्योंकि वो समझेगा कि आप उसको समझ रहे हैं। अब देखिए मेरी इन सभी वीडियोस के अंदर आपको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ पेरेंट्स को अभी समझाने पे काम कर रही हूँ कि बच्चों को समझना कैसे है। किसी भी बात को समझने के लिए हमारे को उनको जरूरी नहीं कि हम हार्डकोर लॉजिक दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और अगर आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, यू वांट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको कोई और प्रश्न का जवाब चाहिए क्या। अगर हाँ तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा।